गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राहुल, यू वाचिंग द एक्सप्लोरिंग विंग्स। तो जैसे कि आपको अपडेट मिल गया है कि पल्सर F250 एंड N250 लॉन्च हो चुके हैं आज। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत ही शाइनी चेरी रेड कलर F250 लॉन्च किया गया है। तो चलो यार, कुछ वैसे तो यार बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस बाइक से, काफ़ी टाइम से वेटिंग चल रही थी, क्योंकि तो मुझे लगता है यार सारी उम्मीदों पे ना पानी फेर दिया है पल्सर ने। तो चलो यार, चलते हैं और इस बाइक के बारे में कुछ बात करते हैं। फ्रंट लुक से काफ़ी फेवरेट होने के बाद थोड़ी ठीक ठाक लगती है, और ओवरऑल बात करी जाए BS6 नॉर्म के हिसाब से बाइक को उतारा गया है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 25 PS 8750 RPM पे। यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, आप लोगों ने इतनी अच्छी बाइक बनाई, सब कुछ बनाया, बट उसमें 5-speed गियर्स क्यों डाले यार? मतलब वो सिंगल सिलेंडर के साथ तो चलो ठीक है, चल जाएगा, क्योंकि ये पल्सर एफ सीरीज़ है, तो बेसिकली थोड़े कम पैसों में इतने अच्छे पावर और एक ज़्यादा CC देने की कोशिश करी है। अगर मैं सेम इनकी प्रो बाइकर्स की बात करूँ, जैसे RS आती है, डोमिनार आती है, अब जस्ट एक्सपेक्टेड कि वैसा कुछ शायद देखने को मिल सकता था, एक अच्छा ब्रांड वैल्यू वो सब चीज़ों पे देखने को मिल सकता था। बाकी है इवेंट की बात करें तो इवेंट मैंने आज पूरा अटेंड करा था, और देखा मैंने काफ़ी कुछ था बाइक में देखने के लिए। एंड जो अभी पेट्रोल में आता है और 24.5 PS के पावर के साथ आता है, तो यार ये बाइक है। चलो बाइक की बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। फेड होने के साथ साथ इसमें 1 प्रोजेक्टर आता है हेडलैम्प में, और DRLs आते हैं। जेनन का प्रोजेक्टर आता है जो आपको हाई और लो बीम प्रोवाइड करता है। लेट्स टॉक अबाउट टू टॉर्क। टॉर्क इसमें बढ़ा दिया गया है, अगर हम इसको RS से कंपेयर करें तो 21.5 Nm का टॉर्क देते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है 6500 RPM पे। बहुत ही बढ़िया टॉर्क कर दिया है, 2 वेल्व कर दिए हैं, और 5-speed गियर बॉक्स के साथ ट्रांसमिशन है, चेन डलती है, और भाई रेड और ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट इसमें दे दिया गया है। तो अभी यार मतलब वो टायर साइज़ की बात करें, जो आपको प्रीवियस NS और RS में जो टायर साइज़ मिलता है, वही सेम टायर साइज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। और ये तो अभी यही है, बाकी इसमें एक चीज़ और नई अपडेट करी है इन्होंने। तो यार बैक लाइट की बात करें, तो यार बैक लाइट जैसे डोमिनर और RS में मिलती है, वैसा ही कुछ शार्प सा डिज़ाइन दिया हुआ है, और ठीक है, और एक गियर और दे देते तो यार क्या चला जाता है इनका। थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और लेट्स टॉक अबाउट दी इसका ओके लेट्स टॉक अबाउट दी डिजिटल मीटर, जो कि देखने में फुली डिजिटल लगता है, बट ये आधा एनालॉग है और आधा डिजिटल है, जिसके अंदर फैसिलिटी मिल जाती है हमें, गियर मीटर, गियर इंडिकेटर मीटर मिलता है, और जो बेसिक चेक लाइट इंजन वगैरह के फीचर्स मिलते हैं वो हमें जो RS और 220 और इन सब में मिलता है, वही सेम चीज़ें इसमें भी मिल जाती हैं। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं, और जो इसका टॉप एंड की अगर हम बात करें, तो टॉप एंड ये प्रोड्यूस करती है कुछ 140 से 160 की टॉप एंड स्पीड ये अचीव कर सकती है बाइक, क्योंकि 5 गियर है ना यार, तो उसी हिसाब से चलेगी। बट ठीक है, ऑन इन एवरेज अगर इसके हम माइलेज की बात करें, तो माइलेज भी ये देती है तकरीबन माइलेज दे सकती है 25 से 35 का, वो डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पे कि आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है। तो चलो यार, हो सकता है इस वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी मैंने शेयर करी है, बहुत ही जल्द मैं इसका एक रिव्यू भी लेके आने वाला हूँ, टेस्ट राइड भी लेके आने वाला हूँ, एक वॉक अराउंड रिव्यू भी लेके आऊँगा। तो फिर मिलते हैं, टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ। और जिस जिसको अभी तक इस वीडियो में कुछ भी क्वेरीज हो, या मतलब कुछ भी पूछना हो, कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए पूछ सकते हैं आप मेरे से, ठीक है? तो टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।